संस्कृति नगरी अल्मोड़ा में आपको गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है। जी हाँ, हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा की बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद हैं हरी कृष्ण खत्री जी। ये पिछले कई सालों से रोज़ा रखते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका तो स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। पहले कब से रख रहे हैं आप रोज़ा, और साथ ही ये रोज़ा रखने का कैसे आपको लगा कि रोज़ा रखना चाहिए? रोज़ा सब मैं 46 साल से रख रहा हूँ, और रोज़ा रखने का ऐसा है, ये एक अपने धर्म के प्रति भी लोगों का रुझाव है, और इसका अलविदा का जो रोज़ा है इसके लिए कहा गया है कि इसका जो सबसे जो बेनिफिट जो ये अलविदे का रोज़ा का है कि 30 रोज़े जो होते हैं, 30 रोज़ों में सबसे पावरफुल रोज़ा जो है अलविदा को माना गया है कि उसका सारा 29 रोज़ों का स्वभाव जो है एक ही रोज़े में हमें मिल जाएगा। और वैसे भी मैं आपके संग सभी परिवार के, क्योंकि अल्मोड़ा तो बहुत छोटी जगह है, यहाँ पर उठना बैठना, हम ये दशहरे में ये लोग हमारे साथ रहते हैं, हम मुहर्रम में इनके साथ रहते हैं, तो हम यहाँ पर भाईचारा का जो है बनाए रखते हैं, अपने अच्छे बुरे में दोनों लोग बराबर के काम में आते हैं एक दूसरे के, तो यही है। और बाकी ये सब एक इबादत करने का एक सबसे बड़ा, उस तक पहुँचने का एक रास्ता है, अब वो किसी भी रूप में कोई भी आदमी पहुँच ले। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी रोज़ा रखने की? रोज़ा रखने की इसलिए हुई कि जब हम छोटे बालकाल में छोटे से बच्चे थे, तो जिस यहाँ पर मेरी अपनी पैदाइश है कचहरी बाज़ार की, तो वहाँ पर सारे लोग, हम लोग सब उसी परिवेश में रहते थे, तो वो लोग चांद देखने के लिए जाया करते थे, तो फिर वो बताते थे कि भैया देखो अलविदा का रोज़ा रखने का इतना सवाब मिलता, बुज़ुर्ग लोगों से हमने सुना था, तो इसी पैटर्न में मेरे दिमाग में ये रहा कि भैया चलो रोज़ा रखना चाहिए आदमी को ये वो करके। तो जैसा अलविदा है तो अफ्तारी देने के लिए भी लोग आते होंगे? हाँ, आई हैं शाम को, अभी मेरे पास अब कई जगह से 5-7 जगह से जो है अफ्तारी आएगी शाम को, मेरे यहीं पर ही आ जाती है। अच्छा, घर परिवार से कैसा माहौल रहता है, आस पड़ोस वाले लोग क्या कैसे कहते हैं? नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर एक अपना एक आदमी का अपना ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो इच्छा है मैं हज करने को ले जाऊँ, लेकिन हज में मैंने बहुत जानकारी ली कि उसमें थोड़ा सा यह है, बल्कि उर्मा करने की तो हिंदू आदमी को परमिशन मिल सकती है, ये मैंने थोड़ी मेरे को जानकारी में आया, लेकिन मेरी हज करने की बड़ी इच्छा है कि एक बार मैं हज में जाऊँ। बाकी इबादत तो मुझे इस्लाम धर्म के बारे में बाकी, लेकिन इतना मेरी इच्छा है कि मैं एक बार हज में जरूर जाऊँ अगर मेरे को परमिशन दी जाए। अब ये कैसी मिलती है, अब ये तो भैया ऊपर वाला जाने, लेकिन वहाँ पर बहुत थोड़ी दिक्कत है। सर, आप कैसे देखते हैं ये अलविदा का रोज़ा रखते हैं, इसमें आपके प्रति आप इसको कैसे देखते हैं? रोज़े जब शुरू होते हैं तो सारे रोज़े रखने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मानता जो है वो अलविदा की है, और नहीं रखने वाला भी अलविदा में रखता है कि भाई साहब हमारे काफ़ी टाइम से रोज़ा रख रहे हैं, और इससे मतलब सेहत के लिए भी सही है और इबादत भी है, और इसमें नमाज भी पढ़नी चाहिए, और रोज़े हर इंसान को मतलब ये है, अपने मुस्लिम भाई ज़्यादातर रोज़े रखते हैं, लेकिन भाई साहब को भी शौक़ हुआ कि मैं रखूं देखूं क्या होता है करके, हो सकता है कि इनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन रख काफ़ी टाइम से रहें। तो आप अफ्तारी के लिए जाते होंगे शाम को? अख्तियारी का ऐसा है यहीं पे हो जाती है दुकान में, और इनके भाई साहब के लिए भी अख्तियारी आ जाती है, हम दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं यहाँ पे को मौजूद हरी कृष्ण खत्री हैं, जो पिछले 46 सालों से अलविदा का रोज़ा रख रहे हैं, और इनके घर और दुकान में आकर लोग इन्हें अफ्तारी देते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।